दोस्तों 10वीं और 12वीं के लिए बहुत बड़ी खबर है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज किया है एमपी बोर्ड ने। इसमें क्या है, आपको आधे घंटे में ओएमआर सीट में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन के टिक्स मार्क्स करके सबमिट करने होंगे। आधे घंटा आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, जो उसमें ओएमआर सीट में आपको बहुविकल्पीय जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आएंगे एबीसीडी वाले या अ ब स द वाले, उसको भर करके आपको सबमिट करना होगा आधे घंटे में। पहले क्या था कि आप 3 घंटे में आराम से कर सकते थे, कि छूट गया तो किसी से पता कर लिया, किसी से इशारा कर लिया तो बता दिया। अब ऐसा नहीं होगा, आपको आधे घंटे में जल्द से जल्द उसको सबमिट करना होगा। तो चलिए समझिए, और उसके बाद में आपको जो है एग्ज़ाम के लिए कॉपी मिलेगी, उसमें बड़े क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे। तो इस बार पैटर्न में बदलाव है, समझते हैं इस बात को। 1 मिनट का वीडियो है, लेकिन आराम से देख लीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर लेना, ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए और वो अच्छी तैयारी कर पाए। पूरी खबर ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखिए, कल का खबर है ये। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं के पैटर्न में विशेष बदलाव किया है। पहले जहां बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को कॉपियों में ही सभी प्रश्नों का जवाब लिखना होता था, इस बार छात्रों को परीक्षा के दौरान ओएमआर सीट दी जाएगी। इसमें छात्र बहुविकल्पिक प्रश्न के जवाब को लिखना होगा, छात्रों को ये जवाब लिखना होगा ओएमआर सीट के बाद में। इस बार हर विषय के प्रश्न पत्र में छात्रों का प्रश्न पत्र 3 श्रेणी में बटा होगा। इसमें पहली श्रेणी में जो है आपका एबीसीडी वाले क्वेश्चन होगा, इसके बाद दूसरी श्रेणी में आपके विषय परक जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे, और तीसरी श्रेणी में आपके विश्लेषणात्मक यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन होंगे। छात्र को परीक्षा में 50 प्रश्न करने को दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने, 50 प्रश्न दिए जाएंगे। परीक्षा में लिखने के लिए कापी तो मिलेगी, इसके साथ ही 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आधा घंटे में, ये यहाँ पर दिक्कत है, आधा घंटे में हल करके ओएमआर सीट पर विकल्प को टिक करना होगा। और इसके पश्चात छात्रों को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें 20 प्रश्नों को निश्चित शब्द सीमा में हल करना होगा। अब आप समझ गए, इस मुद्दे पर हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया ने निर्देश जारी किया है। परीक्षा के पैटर्न में ये बदलाव इस वजह से है किया जा रहा है, ताकि रिजल्ट जो है जल्दी से आ सके, यानी कि ओएमआर सीट अलग से चेक होगी आपकी। अब आगे बात करते हैं, ओएमआर सीट भोपाल में जांची जाएंगी कॉपियां स्थानीय स्तर पर, यानी कि बोर्ड की परीक्षा में तो छात्रों द्वारा जो भरी गई ओएमआर सीट है उसको जांचने के लिए भोपाल भेजा जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड की कॉपियां हैं वो अन्य ज़िलों में नहीं भेजी जाएंगी, वहीं पर चेक होंगी, उसी ज़िले में चेक होंगी जिस ज़िले में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस बार इंदौर ज़िले में बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों कापियाँ इंदौर में ही जाँची जाएंगी, ठीक है। प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे सारे प्रश्न। थोड़ा सा यहाँ पर समझना क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं। माध्यमिक यानी मासिम द्वारा बोर्ड की परीक्षा के पूर्व वेबसाइट पर प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। अभी हर विषय के अपलोड नहीं किए गए हैं, लेकिन हम सब आपका जितने भी हैं उनके सभी के पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादातर पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं, और भी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी क्लास की लिंक पर क्लिक करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रश्न बैंक में जो है 500 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट में 500 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है और तैयारी करनी है। इस बार बोर्ड परीक्षा का पेपर इन्हीं प्रश्न में से प्रश्नों के आधार पर बनाया जाएगा। इस बार परीक्षा में बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे में बोर्ड छात्र यदि प्रश्न बैंक को ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होंगी, अभी तक ये लेटेस्ट अपडेट है। देखते हैं कि ये कितना चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, जो मई के 3रे सप्ताह तक चलेंगी। परीक्षा का टाइम टेबल जल्द ही जारी होगा। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना के कारण स्कूल में छात्रों की पढ़ाई ना होने के कारण मासिम द्वारा छात्रों को 30% कोर्स में कटौती की गई है। इस वजह से इस बार 70% पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया गया है, आपको पता ही होगा मैंने डाला था। और उसके बाद में आपका जो है, इसके अलावा जल्द ही अगले 4 से 5 दिनों में इंदौर के सभी प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर है ये, इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी मदद कर पाओ, वो लोग तैयारी कर पाए। आप भी समझ चुके होंगे ढंग से इस वीडियो को समझना, कि आपके पास केवल आधा घंटा रहेगा आपके ऑप्शनल टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के, 30 जो प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए आधा घंटा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है तो आप बैठे रहो ले करके, ठीक है। ये इसलिए किया गया है कि ताकि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो पाए। ओएमआर सीट अलग चेक हो जाएंगी और कॉपी अलग चेक हो जाएंगी, और आपके जुड़ के नंबर जो है रिजल्ट जारी हो पाएगा। तो आशा करता हूँ, प्रश्न बैंक जरूर देखना, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रश्न बैंक से तैयारी करिए, सॉल्व करिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर सॉल्व कर दो। अब सोचिए, एक विषय में आपके 500 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ये
आपका कोई मॉडल पेपर होता है जिसमें 30-25-35 क्वेश्चन होते हैं तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर विषय के 500-500 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टिंग में हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी और काफ़ी सॉल्व भी कर दिया था, लेकिन देखा कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इतना समय नहीं है, क्योंकि हमें हर बोर्ड का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा हमें फैसला लेना पड़ा कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप इसको अपने स्तर पर सॉल्व करिए, और जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो आप बुक पढ़ेंगे नहीं, और बुक पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ याद होगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, जो आपके लिए ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो लाइक बटन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए अपना बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप ग्रुप और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।